फैसले पे कायम खड़ी है कि कल जलसा हर सूरत होगा। मैं बात कर रहा हूँ चेयरमैन जिनके नाम के साथ चेयरमैन लग रहा है बैरिस्टर गौर, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान। और मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। उमर अयूब साहब का एक ट्वीट आया है कि जलसा कल हर सूरत होगा। रही इस टाइम ग्राउंड की बात कि ग्राउंड में इस टाइम तक लोग क्यों नहीं मौजूद, जहाँ जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं हमें तैयारी करने दी जाए तो हम तैयारी करें ना। ये जलसा कल हर सूरत होगा, जो पुलिस की यहाँ कंडीशन है चारों तरफ खड़े हैं। मैं पूरे पाकिस्तान को एक बात बताना चाहती हूँ कि जब मैं जलसा गाह पहुँची तो मुझे सेवल कपड़ों वाला शख्स ये ब्रीफ करना चाह रहा था कि यहाँ मस्जिद है, यहाँ जनाजा गाह है, हम यहाँ पे कैसे जलसा करने दे सकते हैं। तो खदारा कुछ तो होश के नाखन लो। मैं बार बार कहती हूँ कि 8 फरवरी को हम समझते थे आप कपड़े पहन लेंगे, 9 फरवरी को पूरी दुनिया ने देखा आपने कपड़े उतारे, आज यहाँ पे जो भी रोल अदा हो रहा है, खदारा खदारा हाफिज अब तो बाज आ जाओ ना। इस कौम के सामने कितना और नंगा हो गए तुम लोग, 75 ईयर गुजर गए। मेरा ये कोई क्लिप स्किप नहीं होना चाहिए। मैं आज इस मुल्क के उन माफियों को बताना चाहती हूँ, लीडरशिप क्या करे, हम जैसे इंसान है ना। सवाल जो आपसे हो मेरा आपसे जो सवाल, आप उसको जवाब मैं आपको दे रही हूँ ना। हमारी लीडरशिप स्टैंड कर रही है, इस टाइम तक लीडरशिप लड़ी है। मैं ये एक मुतालबा लीडरशिप से करूँगी, कल साबित होगा आप में से कौन सा शख्स इमरान खान का वफादार है। कल साबित होगा आप सिर्फ ओहदों के लिए आए हैं। कल साबित होगा क्या आप MNA और MPS बनने आए हैं। कल साबित होगा क्या आप अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं या नहीं। कल का दिन तारीखी इस सूरत में साबित होगा। हमारे ओहदेदार, हमारे इस टाइम बैठी हुई लीडरशिप ने आज ये फैसला करना होगा। जब कोई भी तारीख चलती है, कोई भी मिशन होता है, तो जंगे कभी NOC लेके नहीं लड़ी जाती। NOC मिलके अगर जंग होती तो शायद इस दुनिया में कोई जंग ही ना होती, क्योंकि उसके लिए आपने NOC का वेट करना होता। जिस इमरान खान के नजरिए पे हम लड़ रहे हैं, हम हकीकी आजादी के लिए निकले हैं। ये जो पुलिस, ये जो सूरतकार सेवल कपड़ों में खड़े हैं, आप बाज आ जाएं, जलसा इंशाल्लाह होगा। नहीं देखिए साहब, आप मेरे सवाल का जवाब देना। यही बात करता है शेर अफजल मरवत, पार्टी से उठा के बाहर फेंक देती है। और थोड़ी देर बाद शायद हमारे सेक्रेटरी जनरल जो आपके हैं उनका एक नोट आ जाए प्रेस नोट के कल का जलसा मुलतवी किया जाता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? देखिए, हम ये समझते हैं कि अगर इस टाइम इमरान खान साहब बाहर बैठे होते तो वो किसी सूरत से पहले हमारा जलसा कैंसिल हुआ। लोग हमारे काफिले रास्तों में थे, NOC कैंसिल होने के बावजूद भी मेरे कायद इमरान खान ने डट जाना था और जलसा होना था। उमर अयूब साहब को हम गुजारिश करना चाहते हैं, हमारा कायद जो इस टाइम हडियाला में बंद है, उसने जो अख्तियार आपको दिए, कल आपने कौम के साथ स्टैंड करना है। कल पाकिस्तानी कौम की ये जंग है, हकीकी आज़ादी की जंग है। इंशाल्लाह हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह का फैसला नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी अवाम का जो रद्द अमल आया था उसको एक बार देख लीजिएगा। हम आपसे गुजारिश कर सकते हैं कि अगर इस तरह का अमल आया तो हम इस जलसे को लीड करेंगे, हम स्टूडेंट को कॉल देंगे, बांग्लादेश वाली तारीख हम उन सूरतकारों को भी बताना चाहते हैं कि हम चलाएंगे। और आप बाज आ जाएं, हम आपसे बार बार कहते हैं कि बाज। ये जलसा यहाँ पर ही होगा या इसकी लोकेशन चेंज हो सकती है? देखें, ये फैसला लीडरशिप का है, तमाम लोग मिलकर ये फैसला कर सकते हैं कि हमारा जलसा कहाँ होना चाहिए। मगर हम वर्कर जो इमरान खान का रोल का है ना, ऐलान तो नोल का है, मगर तो नोल में ही होना चाहिए। अगर तो नोल से जगह भी चेंज होती है तो हम समझेंगे वो लोग कंप्रोमाइज हो चुके हुए। बहुत शुक्रिया।